ईद आती है लोगों के लिए खुशी का दिन होता है। मैंने पहले दिन भी दर्जियों का काम किया, लोगों को जोड़े रह रहे थे, दूसरे दिन भी मैं अपने उस्ताद के साथ था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे काम को उन्हें काम समझा जाता था। मैं पाकिस्तान का वाहिद प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ जो पाकिस्तान के रैंकिंग में फर्स्ट पोजिशन में, पाउंड फॉर पाउंड ऑल पाकिस्तान में नंबर दूसरी पोजिशन में। सबसे पहले गेम से भी ज़रूरी डाइट है आपकी, अगर वो आपकी पूरी नहीं है तो आप फाइट बिल्कुल नहीं खेल सकते, चाहे वो आपकी जितनी भी टफ ट्रेनिंग हो। तो उसके लिए मुझे मजबूरन काम करना पड़ता है हर हालात में, जिस तरह भी हो मैंने इस काम को जारी रख लें। मेरा नाम हबीबुर रहमान है और मेरा तल्लुक डरेस मिल खान से है और मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। तो ये जो मेरी फाइट थी रिसेंटली अभी फिलिपाइन के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा अपोनेंट था फिलिपाइनी फाइटर, ये पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड लेवल पे इसने 7 मुकाबले जीते हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। मैंने एमेच्योर 9 मुकाबले किए हैं बॉक्सिंग के, उनमें से मैंने 7 जो है नॉकआउट किए और 2 मैंने पॉइंट्स के जरिए जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 9 के 9 जीते हैं। और उसके बाद प्रोफेशनल में मैं जब इंटर हुआ तो मैंने 2 फाइटें जीती है, उनमें से एक अभी जो फिलिपाइन के ख़िलाफ़ मैंने जीती है, ये मेरा रिकॉर्ड जो हो गया 3-0 हो गया। इनमें से मैंने 2 को नॉकआउट किया है और 1 को मैंने पॉइंट के ज़रिए मैं उनसे जीता हूँ। टूल प्लाजे पे मैंने काम किया, उन्होंने भी मुझे छुट्टी दे दिया। मैंने मवेशी मंडियों में भी काम किया, मैंने होटलों में भी काम किया, कोई ऐसा वो नहीं था जिस पर मैं मजबूरी होके मैंने काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी सब ने मुझे कहा है कि आपको इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती, आप ये काम छोड़ दो या उसके बाद अपनी गेम छोड़ दो। मुश्किल थी फिर भी मैंने ये जारी रखा। वालिद साहब का मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें वो वफात हो गए, तो उसके बाद बड़े भाई है उन्होंने मेरे साथ हेल्प की है, लेकिन वो खुद बेचारे होटलों में मजदूरी करते हैं। मैंने मैट्रिक की, उसके बाद जो घरेलू हालात की वजह से मुझ पे बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था, तो उसकी वजह से मैंने तालीम बीच में छोड़ दी है, मजदूरी पे लग गया था क्योंकि मैं बड़ा हो गया था। भाइयों ने कहा अभी बाप ने कुछ कमाना है, घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था, घर किराए पे गिरा घर था कि पीके में देखो डेर इसमिल खान में, तो इसमें सबसे ज़्यादा टैलेंट है इन बच्चों में, इनकी जोश है, जज्बा है, लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता, यही स्पॉन्सर की वजह से, हुकूमत की सपोर्ट ना होने की वजह से मुझसे भी अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनकी बेरोज़गारी की वजह से उन्होंने गेम छोड़ी हुई है।